Hi and welcome to the Fahadhusain YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Math behind Artificial Intelligence पे हम Linear Algebra पढ़ रहे हैं और इस session पे हम जानेंगे कि Fisher Discriminant Analysis क्या है और वो किस तरह से IDA से relate करता है. लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं. आप फहद हुसैन सी एस से सर्च करके मेरे YouTube चैनल पर आएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाकर वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिनस की हैं विद ईज वॉच कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन PPT स्लाइड कोड वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग फहद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर. आप तमाम चीज़ें यहाँ से आकर फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बरवक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नत नई चीज़ें बरवक्त आसानी के साथ आप सीख सकें. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्चुअली फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है क्या. सो द फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज सिंपली LDA इन अ सिचुएशन ऑफ द टू क्लासेस, विच मीन इट सजेस्ट यू कि एक्चुअली जब आप दो क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए LDA को यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली यही चीज आपकी फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है. ऑल्सो LDA इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरलाइज फॉर्म ऑफ द फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वेयर ओनली और देयर इज ओनली टू क्लासेस कॉम्पिटिशन बाय हैंड्स आर फिजिबल एंड एनालिसिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मल्टीपल रिग्रेशन. LDA इज द डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द फिशर आइडिया ऑन सिचुएशन ऑफ एनी नंबर ऑफ द क्लासेस एंड यूज मैट्रिक्स अलजेब्रा डिवाइस सच एज द आइगन डिकम्पोजिशन टू कंप्यूट इट. Linear discriminant analysis should be used instead. See also, discriminant analysis with 2+ classes, multi-classes is canonical by its algorithm. Extract discriminant as canonical varieties. Rare term, canonical discriminant analysis usually stands simply for the multi-classes. The whole paragraph explain about the LDA is a generalized form of the Fisher discriminant analysis. The Fisher discriminant analysis is a purely good work विद इन द टू क्लासेस. लेकिन जैसे ही ये दो क्लासेस से ज़्यादा होती हैं वहाँ पर हम LDA यानी जो जनरलाइज फॉर्म है उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस होंगी तो वहाँ पर हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को इस्तेमाल करेंगे और जब हमारे पास सिंपली टू क्लासेस होंगी तो वहाँ पर हम फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यूज़ करते हुए कंप्यूटेशनल वर्क कर रहे होंगे, वो मल्टीपल रिग्रेशन के लिए हो या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हो या फिर किसी भी दूसरे प्रॉब्लम के लिए हो. अब हम इसके बिहाइंड मैथ्स देखते हैं कि फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है. तो इस सिनेरियो में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक स्कैटर प्लॉट है जिसमें कुछ रेड डॉट्स मौजूद हैं जो क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर ब्लू डॉट्स हैं जो क्लास 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. FDA यूज़ करने का पर्पस ही यही है कि हमारे पास दो क्लासेस मौजूद हैं और हम बाय यूजिंग फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं. तो सेपरेट करने के लिए इन फ्यूचर जिस तरह से हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के हवाले से डिस्कस करेंगे तो इसका पर्पस ये होगा कि हम अपने एट्रीब्यूट्स को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, यानी मल्टी डायमेंशन से हम कुछ कम डायमेंशन की तरफ आ रहे हैं. लेकिन फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का इस्तेमाल हम अपने डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक रेड लाइन नीचे मौजूद है. इस रेड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करने का या इस हाइपर प्लेन या प्लेन को ड्रॉ करने का मकसद ये है कि मैं इन तमाम डेटा को जो कि रेड या फिर ब्लू में मौजूद है इस पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ. तो अगर मैं इस तमाम डेटा पॉइंट को इस रेड पर डिस्प्ले करवाऊँ तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई दिस बोर्ड डेटा सेट, क्योंकि ये रेड ब्लू पर या ब्लू रेड पर ओवरलैप हो रहा होगा तो इस बेस पर ये रेड लाइन यहाँ पर बेस्ट हाइपरप्लेन के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती. लिहाजा मैंने दूसरी प्लेन यहाँ पर ऐसी बनाई है जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ गुजर रहा है. तो मैं कह सकता हूँ कि ये हाइपरप्लेन यहाँ पर गुड फिट है जिसके बेस पर दोनों डेटा सेपरेटली यहाँ पर डिवाइड हो सकते हैं. तो दिस हाइपरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द पाई. तो अगर मैं इस तमाम रेड डेटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस रीजन एंड सिमिलरली फॉर द ब्लू डेटा स्टार्ट फ्रॉम दिस टू दिस रीजन. तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रीन डेटा पॉइंट है वो ग्रीन डेटा पॉइंट इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है एज अ थ्रेशोल्ड के लिए. यानी इस थ्रेशोल्ड के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो डेटा पॉइंट जो कि इस ग्रीन कलर से नीचे की तरफ है ये तमाम यहाँ पर क्लास पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस ग्रीन पॉइंट से ऊपर जितने भी न्यू डेटा पॉइंट होंगे वो यहाँ पर क्लास ए को रिप्रेजेंट करेगा या वन को रिप्रेजेंट करेगा. तो इन दिस सिनेरियो फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस सबसे पहले हमें यह बताता है कि पाई ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा आपके वेक्टर प्रोजेक्शन को जो कि हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे वेक्टर के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है कि जब हम वेक्टर को प्रोजेक्ट करवा रहे होते हैं किसी डायमेंशन पे. तो पाई डब्ल्यू इज इक्वल टू द हाइपरप्लेन. Similarly, according to the vector projection formula, W transpose X is equal to 0. यहाँ पर जो X है वो original data point को represent कर रहा है, which means this red and blue point.
और जो एक्स डॉट होगा वो डेटा होगा जो प्रोजेक्टेड होने के बाद यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, वट एवर द डेटा विल बी। सो इस बेस पर हमारे पास जो फार्मूला हो जाएगा वो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई वाई। तो फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हमें क्या डिस्कस कर रहा होता है या फिर हमें क्या बता रहा होता है, जिसके बेस पर हम मैक्सिमम मीन के साथ मिनिमम वेरियंस को लें और उस बेस पर अपने डेटा को क्लासीफाई करवा सकें। तो इसकी एग्जाम्पल में मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास एक डेटा सेट है एक्स आई एंड वाई आई, जबकि यहाँ पर वाई की वैल्यू सिर्फ 0 एंड 1 के बेस पर बाइनरी आउटकम होगी। तो इस बेस पर हमारे पास जे ऑफ डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को, जिसका फार्मूला होगा मीन ऑफ क्लास 1 बार प्लस मीन ऑफ क्लास बार 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ क्लास 1 स्क्वायर प्लस वेरियंस ऑफ क्लास 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मीन एक्चुअल अर्थमेटिक मीन है जो इन तमाम वैल्यूज़ के दरमियान निकाला जाएगा, तो मैं इसको कहूँगा म्यू वन एंड म्यू टू। तो ये इन तमाम डेटा का मीन है और ये इन तमाम डेटा का मीन है, और यहाँ पर टारगेट हमारी ये है कि मीन की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होनी चाहिए यानी लार्ज होनी चाहिए, और वेरियंस हम चाहते हैं यहाँ पर कम। तो ये जो वेरियंस वैल्यू है हम इसे स्मॉल चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो वेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एस वन बार बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आई बार माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो अगर आप पहली क्लास के लिए वेरियंस निकाल रहे हैं तो ये फार्मूला होगा, और इसी तरह जब सेकंड के लिए आप निकालेंगे तो इट्स विल बी यूज ऑफ म्यू टू बार एंड द सेम फार्मूला विल बी यूज। अब यहाँ पर हमें लॉजिकली ये समझना है कि मीन तो ऑटोमेटिक मीन है जो एक सेंट्रल पॉइंट को वेरी करके हमें बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पर वेरियंस इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और वेरियंस एक्चुअली है क्या। वेरियंस हमें बता रहा होता है कि एक्चुअली एक डेटा पॉइंट पर जो डेटा गैदर्ड हुआ हुआ है यहाँ पर उसके दरमियान डिफरेंसेस कितने हैं, वो वेरी कितना कर रहा है। जैसे मैं इस वक्त यहाँ पर जो डेटा पॉइंट बता रहा हूँ वो काफ़ी वेरी कर रहा है, तो इनके दरमियान वेरिएशन कितनी है, गैप कितना है, वो जानने के लिए हम वेरियंस निकाल रहे होते हैं। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर वेरियंस की स्मॉल वैल्यू इसलिए चाह रहे हैं ताकि जितना डेटा गैदर्ड होकर एक जगह मुकम्मल होंगे उतना ही हमारे लिए दोनों क्लासेस को सेपरेट करना आसान होगा। तो ओवरऑल ये वो लॉजिकली फार्मूला है जिसके बेस पर हम ये देखते हैं कि एफ डी ए यानी फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वर्क करता है, और हम हमारी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम ऊपर वाली वैल्यू को लार्ज और नीचे वाली को स्मॉल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऊपर वाली वैल्यू हमारी जीरो हो जाती है तो जे डब्ल्यू यानी हमारा फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जीरो हो जाएगा और वहाँ पर ये आकर फेल हो जाता है। तो उसकी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एफ डी ए फेल होता है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक डेटा की स्कैटर्ड कुछ इस तरह से हुआ हुआ है जिसमें क्लास ए मौजूद है और बी मौजूद है। तो इस सिनेरियो पे ग्रीन यहाँ पर क्लास ए है और येलो हमारे पास क्लास बी है, तो अगर मैं ग्रीन कलर का मीन निकालूं तो वो भी इसी डेटा पॉइंट पे यानी इस मिड एरिया पर आएगा, जबकि हमारे पास जो येलो है उसका भी मिड पॉइंट निकाला जाए तो वो सेंटर पे ही आएगा। इस बेस पर हम इसको फिजिबल फॉर्म पर सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सेकंड सिनेरियो कुछ इस तरह से हो सकता है कि हमारे पास सर्कल फॉर्म पर ब्लू क्लास क्लास वन मौजूद है और ये रेड जो है वो सेकंड है, तो इस बेस पे इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ हो सकता है और इस ब्लू वाले का रीजन भी कुछ सेंट्रल पॉइंट इसी पर ही ओवरलैप करेगा कहीं पर, तो इसकी सेपरेशन काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे सिनेरियो जहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ क्लास वन और मीन वैल्यू ऑफ क्लास टू सेम आ जाए, तो जैसे ही हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर फिट करते हैं जो हमारे पास जे डब्ल्यू का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू स्क्वायर होने की वजह से हमें डिस्टर्बेंस देती है, और अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए जो लार्ज हम करना चाह रहे हैं तो उसके बेस पर हमारी जे डब्ल्यू की ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी और वहाँ पर फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस फेल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक हैं जिस ट्रिक के बेस पर हम ये काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम अपने फीचर्स को चेंज कर सकते हैं जिसके बेस पर हम डेटा को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लीनियर फॉर्म से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉन लीनियर मॉडल यानी डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करते हुए भी इस डेटा को हैंडल कर सकते हैं, विच मीन इस रीजन को आप एक सेपरेट क्लास बना लें, इसे सेपरेट बना लें, इसे सेपरेट बना लें और इसे सेपरेट बना लें, तो आपका काम हो सकता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर मैं एक थर्ड डायमेंशन यहाँ पर बना लूं और इस थर्ड डायमेंशन का नाम मैं आर लिख लूं, तो इस बेस पर मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिलेट करवा सकता हूँ और इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिलेट करवा सकता हूँ, तो इसके दरमियान सेपरेशन कुछ आसान हो सकती है। और इसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म फीचर्स कहा जा रहा होता है जिसके बेस पर आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक स्पेस से दूसरे स्पेस पर ताकि आप अपने डेटा को सिंपली क्लासिफाई कर सकें। इसी तरह से जब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस पहुंचती हैं यानी दो से ज़्यादा, तो हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को यूज़ करते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपने डेटा को सुपरवाइज्ड मैनर पर सेपरेट कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है. होपफुली इट्स क्लियर टू यू कि फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस क्या है, किस तरह से लॉजिकली काम करता है और ये किस तरह से एलडीए से रिलेट कर रहा है.